प्रिय छात्रों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था माइक्रो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और विभिन्न रजिस्टर्स तथा जो माइक्रो प्रोसेसर के छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, आज हम आप लोगों के साथ मेमोरी डिस्कस करेंगे जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको हम लोग रिलेट करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग के साथ। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ याद रखना हो तो उसके लिए उसको मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगर उसके पास मेमोरी नहीं है तो वो उन चीज़ों को याद नहीं रख सकता है। ठीक उसी तरह से प्रोसेसर के पास भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि पर्टिकुलर किस इंस्ट्रक्शन के लिए क्या फंक्शनैलिटी उसके अंदर होगी। जैसे हम ऐड इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, जैसा कि असेंबली लैंग्वेज में मैंने बताया था कि कंप्यूटर के लिए अलग से लैंग्वेज लिखते हैं, तो ऐड लिखा, सब्ट्रैक्ट लिखा, एंडिंग लिखा और लिखा, तो ये सारे फंक्शंस जब देते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसर आपका मशीन लैंग्वेज को याद करता है और अपने मशीन लैंग्वेज को रिटेन करने के बाद वो एक्शन परफॉर्म करता है। इट मीन्स दैट कि वो सारी चीज़ें प्रोसेसर के अंदर वो बाइनरी बिट्स कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, और जहाँ कहीं भी ये स्टोर रहती है इसका मतलब है कि प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं या जो प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट है या कहीं बाहर से हम उन मेमोरीज को इस्तेमाल करके हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में। याद करिए आप लोग कि हम लोगों ने यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर लिखा है बीच में, उसकी जगह सीपीयू लिखा था जिसका एक पोर्शन हमारा माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था। तो इस सीपीयू के और माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या कनेक्टेड है, मेमोरी कनेक्टेड है, और इसी मेमोरी की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं कि ये मेमोरी कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस पूरे फैमिली को हम लोग आज देखेंगे। तो मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी है। तो इन दोनों मेमोरी को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करके देखते हैं। एक, जैसा कि आप सबसे नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तरफ वोलाटाइल लिखा हुआ है एरो के मार्क करके और दूसरी तरफ नॉन वोलाटाइल लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि वैसी मेमोरी जिसमें आप पावर सप्लाई जैसे ही ऑफ करेंगे जो भी काम चल रहा होगा वो सारी चीज़ें उसके लिए फॉरगेटन हो जाएगी, वो भूल जाएगा कि मैं क्या कर रहा था। एक दूसरा ऐसा होता है मेमोरी जो नॉन वोलाटाइल, राइट हैंड में सारे आप देख रहे हैं, वो ऐसी मेमोरीज होती है जिसमें पावर, अगर आप काम कर भी रहे हैं पावर चला भी जाए तो भी उसके जो डाटा है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह ठीक बिल्कुल उसी तरह है कि कोई चीज़ जब आपको क्लास में समझ में नहीं आती है जिस, या जो टीचर समझा रहा होता है, जिनके पास मेमोरी वोलाटाइल कंडीशन में रहती है, जैसे ही क्लासेस ओवर होती है बच्चों के दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर एक घंटा क्लास चलता है तो उसमें 10-15 मिनट आपका मन ऐसा लगता है पढ़ाई में जो कि आप आज नहीं 10 दिन के बाद भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रहेगा। इट मीन्स दैट वो पर्टिकुलर सेक्शन क्या है आपके मेमोरी का, या वो जो एलिमेंट है नॉन वोलाटाइल हो गया आपके लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे फिर डिवाइड करते हैं हम लोग, प्राइमरी मेमोरी को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे, एक तो कैश मेमोरी में डिवाइड किया गया और दूसरा मेन मेमोरी में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी का मतलब ये होता है, एक तरह से इसको सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे सीपीयू कोई एक्शन बार बार कोई इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल कर रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन एक छोटे से मेमोरी में सीपीयू के साथ ऑलवेज बना रहता है, जिसको सीपीयू को अगर बार बार इस्तेमाल करना होता है तो उसमें टाइम कम लगता है, तो उसके लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी कनेक्ट करता है सीपीयू और मेन मेमोरी को। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी का जो दूसरा सेगमेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को रैम बोला गया जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, तथा दूसरे को रोम बोला गया जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो होता है उसको फिर फर्दर दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, एक पार्ट को स्टैटिक रैम बोलते हैं जिसे एस रैम लिखा जाता है, दूसरे को डी रैम बोलते हैं जिसको डायनामिक रैम कहते हैं। तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं, जैसे एस रैम जो है हमारा वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। एस रैम जो होते हैं उसमें 4 या 6 मॉस्फेट ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है बनाने में, जबकि जो डी रैम होते हैं वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि एस रैम में सिर्फ ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए लीकेज की समस्या कम होती है, जबकि अगर डी रैम की बात करें तो ट्रांजिस्टर एक और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो डेफिनेट बात है हमारे पास कि
DRAM में अगर कैपेसिटर हुआ है तो कैपेसिटर टाइम के साथ अपना चार्ज लीक करता है, और अगर चार्ज लीक करेगा और जहाँ पे जो डाटा होता है DRAM में वो चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है, तो जैसे ही लीकेज होगा तो डाटा जो है वो मिसिंग होने लगेगा, इसलिए बार बार कंप्यूटर को रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। जबकि ये स्टैटिक रैम में क्या होते हैं, सिर्फ मॉस्फेट्स लगे हुए हैं और उनकी मदद से ट्रांजिस्टर्स को बनाया जाता है, और ये ट्रांजिस्टर्स जो है फ्लिप फ्लॉप्स की तरह बिहेव करते हैं ऑलवेज, जब तक पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक डाटा इसके अंदर रिटेन रहता है। अब बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की। तो रीड ओनली मेमोरी में क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे तो तीन लिखा है, वैसे चार होते हैं। एक तो प्रोग्रामेबल रोम हो गया, जिसे जब बना लिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, रोम रीड ओनली मेमोरी को जब बना लिया जाता है तो बनाने के बाद उसे प्रोग्राम किया जाता है, तो उसे पीरोम कहते हैं। लेकिन जब ये एक बार प्रोग्राम हो जाता है तो उसे दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है EPROM, इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो सिंगल ई वाला है, सिंगल ई वाला EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसमें क्या करते हैं, जो प्रोग्राम्ड रोम होता है उसको बाहर निकालते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट में उसको एक्सपोज करके उसके डेटा को इरेज करते हैं और दोबारा से इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग। बट ये प्रोसेस जो है काफ़ी लेंदी होता है और प्रैक्टिकल लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो है हमारे पास डबल ई पी रोम है, तो ये इस चीज़ को फिजिबल प्रैक्टिकल लेवल पर बनाने के लिए एक आम व्यक्ति के लिए, तो इसमें सिस्टम में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल इसको बना दिया गया, जो कि यूवी लाइट से इरेज होता था अब उसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल बना दिया गया। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल जो रोम होता है हमारा, वो अब सिस्टम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और चौथा होता है मास्क रोम। मास्क रोम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा रोम जिसको मैन्युफैक्चरर जिस समय फैब्रिकेट कर रहा होता है उसी समय उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो वैसे रोम जिसमें प्रोग्रामिंग एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मास्क रोम कहलाता है। तो क्लियर है, अगर मैन्युफैक्चरर जिस समय चिप बना रहा है रोम चिप, उसी समय अगर उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया बनाते के समय में ही, तो ये मास्क रोम कहलाएगा। पीरोम मतलब जब मैन्युफैक्चरर ने उसको बना दिया तो वन टाइम उसको प्रोग्राम करेगा, आफ्टर मेकिंग, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसको प्रोग्राम करेगा। EPROM में क्या होगा, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होगा, लेकिन इसमें जो इरेजिंग प्रोसेस होगा ये डिफ़िकल्ट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट बार बार निकालना है, यूवी में एक्सपोज करना है, डाटा इरेज करेगा, फिर से उसको रीप्रोग्राम करना है लगा करके। और इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल में क्या होगा कि जो सिस्टम आपने लगाया हुआ है, आपके पास जो सिस्टम है उसमें बार बार इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से उसको इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी मेमोरी के अंदर में कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और रैम के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। साथ में एक और चीज़ इसमें जानना ज़रूरी है कि जैसे सपोज़ करिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन में आप ढेरों एप्लीकेशंस रखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब मोबाइल स्विच ऑन ऑफ होता है तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो दोबारा नहीं दिखता, आपको फिर से आपको पेज लाना पड़ता है। और वो काम कब होता है, जो आप तत्कालिक रूप से कर रहे होते हैं, कभी फ़ोन हैंग कर गया, स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है बैटरी निकाल के, तो उस सिचुएशन की बात बता रहा हूँ। इसका मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही होती है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होती है एट द टाइम जब आप काम कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन है वो बेसिकली स्टोर्ड रहता है रोम के अंदर में, लेकिन जिस समय आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो रोम से निकल के रैम के अंदर में आ चुका होता है और रैम को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही कारण है कि रैम अगर आपका बहुत ज़्यादा, आपने एप्लीकेशन एक बार में खोल दिया तो जो रैम का साइज़ होता है वो तो फिल्ड हो जाता है, और रैम का साइज़ जैसे ही भर जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और एक लेवल के बाद वो सिस्टम आपका हैंग कर जाता है, मोबाइल हैंग कर जाता है, फिर आप काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर से आप क्या करते हैं, जो एप्लीकेशंस खुले होते हैं उनमें कई सारे एप्लीकेशंस को पहले आप बंद करते हैं, फिर आप देखते हैं कि जो पहले वाला एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि जो चीज़ें पावर ऑन ऑफ करने से अगर नहीं जाती हैं, इसका मतलब वो सारी चीज़ें रोम के अंदर में सेव्ड हैं। दूसरा, रैम के अंदर में क्या सेव्ड हैं, तो रैम के अंदर में वो चीज़ें सेव्ड होती है जो टेम्पररली आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कैश मेमोरी में कौन सारी चीज़ें होती हैं, तो कैश मेमोरी में वो सारी चीज़ें होती हैं, चूँकि ये काफ़ी महंगी होती है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, कुछ किलोबाइट्स के टर्म्स में ये मेमोरी होती है, जिसमें बहुत फ्रिक्वेंट जो यूज़ हो रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस, उन्हीं को सिर्फ इसमें स्टोर किया जाता है। तो
अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो डेली बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन ड्राइव है हमारे पास में, मेमोरी कार्ड है, ये सब फ्लैश मेमोरी के। जैसे शुरू से देख ले तो मैग्नेटिक टेप जो कि सिक्वेंशियल एक्सेस करता है, सिक्वेंशियल एक्सेस करेगा इसका मतलब क्या है, डिवाइस स्लो होगा आपका, तो ये मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल एक्सेस वाले इस्तेमाल होते हैं। दूसरा मैग्नेटिक डिस्क जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया उसमें इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क हो गया जिसमें CD, DVD, BRD, HVD ये सारी चीज़ें कुछ MB से कुछ GB तक के होते हैं, वो भी सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और आम तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैश मेमोरीज होते हैं, जो कि उदाहरण है इसका, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव वगैरह है वो इसके उदाहरण हैं। तो आप कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी वो सारी मेमोरीज होती है जो सिस्टम में हम बाहर से, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी जो होते हैं वो सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाते हैं, सहायक मेमोरीज कहलाते हैं, जबकि सिस्टम के अंदर जो मेमोरीज लगी हुई हैं वो सारी मेमोरीज हमारी प्राइमरी या मेन मेमोरीज कही जाती हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि DRAM और SRAM में क्या डिफरेंस है। तो देखिए DRAM में जैसे पहले पॉइंट में आप देखेंगे कि ये टाइनी कैपेसिटर दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी, उसकी मदद से बनता है, इसलिए रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। और SRAM कंस्ट्रक्टेड ऑफ सर्किट्स सिमिलर टू D फ्लिप फ्लॉप्स, और ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ये 4 से 6 ट्रांजिस्टर्स की मदद से बनाए जाते हैं। रिक्वायर्स रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स टू रिटेन इट्स मेंटेन इट्स डेटा, सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं। और इसमें क्या है, होल्ड इट्स कंटेंट्स एज लॉन्गर एज पावर इज अवेलेबल। DRAM क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, SRAM क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये SRAM जनरली कैश मेमोरी में की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। DRAM जो होता है स्लोअर होता है SRAM से, जबकि SRAM फास्टर होता है। कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, DRAM क्या कर सकता है, कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप कर सकता है। SRAM क्या कर सकता है, कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप। छठा, यूज़ लेस पावर, DRAM कम पावर इस्तेमाल करता है, SRAM ज़्यादा पावर इस्तेमाल करता है। जनरेट्स लेस हीट, DRAM कम हीट उत्पन्न करता है जबकि SRAM ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है। यूज्ड फॉर मेन मेमोरी, और SRAM जनरली कैश मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। डायग्राम देख सकते हैं आप DRAM सेल के लिए, जैसे एक बिट लाइन है, वर्ड लाइन है, इसमें आप देखेंगे तो एक पास ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यही मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर करेगा, और यही चार्ज यहाँ पे बिट के फॉर्म में स्टोर होता है, बिट लाइन और वर्ड लाइन के साथ मिलकर के। जिस समय वर्ड लाइन ऑन होगा ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और ये कैपेसिटर उस समय बिट लाइन से चूंकि क्या जा रहा होता है, पावर सप्लाई, और इसको ऑन कर देता है और ये स्टोर हो जाता है चार्ज। अगर आप इसको बहुत देर तक नहीं कुछ करेंगे, पास ट्रांजिस्टर ऑन है, तो रिवर्स होते हुए चार्ज लीक करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा, अगर देखें आप टिपिकल रैम सेल में, तो रैम सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पास ट्रांजिस्टर और 4 बीच में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, जैसे पावर सप्लाई और ग्राउंड कनेक्टेड है, तो टोटल 6 ट्रांजिस्टर्स यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। जनरली 4 से लेकर 6 के बीच में ट्रांजिस्टर्स SRAM सेल बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैश मेमोरी मैंने आपसे बताया था कि CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक छोटा सा इंटरकनेक्शन होता है, जो कि तत्काल जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके डाटा को, ये इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखता है। जैसे देखिए इसमें लिखा भी होगा, कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी है लेकिन कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी से बहुत तेज होती है, इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। जिन प्रोग्राम निर्देशों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले मेमोरी को चेक करता है, अगर वह फाइल वहीं पर उसको मिल जाती है उसके बाद रैम यानी प्राइमरी मेमोरी को चेक करता है। तो अगर वहीं मिल जाएगी तो उसका काम हो गया, नहीं मिला तो फिर रैम में चेक करेगा, फिर अगर वहाँ नहीं मिला तो फिर रिट्रीव करेगा। तो इस तरह से जो स्पीड होता है कैश मेमोरी, उस स्पीड को फास्ट करने में अपना सहयोग देता है। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, डाटा और प्रोग्राम के आधार पर कि स्टोर्स, रैम क्या करता है, स्टोर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, जबकि रोम क्या करता है, स्टोर्ड बाई मैन्युफैक्चरर होते हैं। कंटेंट में क्या है, स्टोर्स इन्फॉर्मेशन टेम्पररली स्टोर करता है, पावर जैसे ही जाएगा खत्म हो जाएगा डाटा, स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, इसमें हमेशा रोम में पड़ा रहेगा। प्रोसेसिंग टाइम में क्या कहेंगे कि रैम जो है वेरी फास्ट बट यूजेज अ लो लॉट ऑफ पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत तेज़ होता है, और इसमें रोम जो होता है फास्ट बट वेरी वेरी लिटिल पावर का इस्तेमाल करता है। वोलाटाइल की बात करें तो ये रैम जो होता है वोलाटाइल होता है, जबकि रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है हमारा। अब अगर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में देखें तो जो हायरार्की होती है, जैसे आप एक चिप लेवल पे चले, सबसे ऊपर आप टॉप में देखेंगे CPU रजिस्टर है, CPU
रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सबसे पहले किसको इस्तेमाल करेगा, मैंने अभी आपसे बताया कि सबसे पहले कैश मेमोरी का इस्तेमाल करेगा। लेवल वन और लेवल टू दो पार्ट में बाइफरकेटेड होते हैं, तो या तो एल वन या एल टू दोनों में से जहाँ मिल जाएगा उसका इस्तेमाल कर लेगा। अगर वहाँ नहीं मिला तो वो फिर रैम सेल में जाएगा। रैम में भी दो सेगमेंट रहेंगे, एक फिजिकल रैम रहेगा, एक वर्चुअल रैम रहेगा। तो यहाँ से भी उस डाटा को या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को अगर ढूंढता है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर वो कहाँ जाएगा, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या रहते हैं, रोम हो गया या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, रिमूवेबल ड्राइव्स हो गए, नेटवर्क इंटरनेट स्टोरेज डिवाइसेस या हार्ड ड्राइव, इसमें वो ढूंढेगा। तो इसमें क्या है कि सीपीयू से स्टोरेज डिवाइस टाइप्स के बीच में दो टाइप के मेमोरीज उसको मिलेंगे, एक तो टेम्पररी स्टोरेज एरियाज हैं जो कि लाइट कटने के साथ ही, जैसे ही आप पावर सप्लाई ख़त्म करोगे वैसे ही टेम्पररी स्टोरेज एरिया से वो डेटा आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, फिर से उसको रिट्रीव करना पड़ता है। जबकि स्टोरेज डिवाइस टाइप्स में परमानेंट स्टोरेज एरियाज हैं, जैसे रोम हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस हो गया, रिमूवेबल ड्राइव्स हो गया, नेटवर्क इंटरनेट स्टोरेज हो गया या हार्ड ड्राइव हो गए, इसमें वो हमेशा बने रहते हैं, चाहे पावर सप्लाई चली भी जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं उसमें आपके इनपुट सोर्सेज और परमानेंट स्टोरेज एरियाज के बाद सबसे नीचे इनपुट सोर्सेज कुछ होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, रिमूवेबल मीडिया है, स्कैनर है, कैमरा है, मिसलेनियस वीडियोस हैं, रिमोट सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज, वो सब कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसी आधार पर मेमरीज और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। धन्यवाद।